हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन। कुछ मीठा कुछ नमकीन। आइए, मैं आज आपके लिए एक सूप की रेसिपी लेके आई हूँ, वेज मनचाओ सूप की। आइए मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने ये वेजीज ली हुई है। एक छोटा टुकड़ा कैरेट का, छोटा छोटा फाइनली चॉप्ड है। और ये बीन्स ली हुई है, 3 से 4 बीन्स काटी हुई है। मशरूम है 5 से 6 पीस मशरूम के। छोटा सा टुकड़ा एक मैंने कैबेज का काटा हुआ है। और ये एक छोटा प्याज मीडियम साइज का, छोटा छोटा बारीक बारीक कटा हुआ है। और ये देखिए, स्प्रिंग अनियंस लिए हुए, ये मैं बाद में डालूंगी। और 3 से 4 क्लोव्स गार्लिक का बहुत महीन कटा हुआ। और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा फाइनली चॉप। और 1 से 2 ग्रीन चिलीज, ये ऑप्शनल है। आप अगर ज़्यादा थोड़ा सा कम स्पाइसी चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमने करना है, ये देखिए, ये अनियंस हमने लेने हैं। सबसे पहले ये अनियंस डाल देंगे, गार्लिक, जिंजर एंड ये ग्रीन चिलीज डाल देंगे हम इसमें। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये ऑयल। मैंने अराउंड देख लीजिएगा, इसमें आप बटर भी डाल सकते हैं, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं आपके ऊपर है। बटर भी अच्छा लगता है। हमें देखिए बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा इसको जब ट्रांसपेरेंट हो जाए बस 1 मिनट के लिए अच्छे से इसको ऑयल में सॉटे कर लेंगे। ये देखिए, हमारे हमने अराउंड 1 मिनट कर लिया है अनियंस को। अब हम इसके बाद इसमें डाल देंगे ये कैबेज, और इसको हल्का सा सॉटे कर लेंगे इसमें ऑयल। हमने वेजिटेबल्स क्रंची रखनी है ना, इसलिए ज़्यादा उनको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे ये मशरूम्स, बीन्स थोड़ा लास्ट में डालेंगे क्योंकि अपना कलर उसका वो चला जाता है। ये देखिए, ये मैंने डाला कैरेट। अब इसको फिर 2 मिनट सॉटे कर लेंगे। हॉट एंड सारा मनचाओ का प्रोसेस बनाने का तरीका एक ही तरीके का होता है, बट थोड़ा उसमें सॉसेस वगैरह ज़्यादा डलती हैं हॉट एंड सार में, और इसमें थोड़ा सा वो स्पाइसी ज़्यादा होता है। अब हम इसमें डाल देंगे बीन, अब स्प्रिंग अनियन हमको रख देना है। अब हम इसको थोड़ा सा 1 मिनट इसको हाई फ्लेम पे इसको हम सॉटे कर लेंगे। देखिए, हमारी अच्छे से हो गई है 1 मिनट। अब इस टाइम पे हम इस पर पानी ऐड कर देंगे। मैं 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ इसमें कॉफी। ये मैंने पूरा पानी ऐड कर दिया इसमें। अब इस टाइम पे हम इसमें इसके बाद डाल देंगे सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट टू टेस्ट, आप कितना पसंद करते हैं। और ब्लैक पेपर भी अराउंड 1/2 स्पून डालेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ग्रीन चिलीज भी हमने डाली हुई है। हमने इसमें डालना है ये विनेगर लिया हुआ है, 1/2 स्पून डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। हमने कोई हॉट एंड सार नहीं बना रहे, पर इसके बाद हमने इसमें डालना है सोया सॉस है। देखिए, सोया सॉस भी ज़्यादा नहीं है। देखिए, मैंने बस 1 स्पून सोया सॉस ली हुई थी, वो डालना है। और यही स्पून का इसी 1/2 वो मैंने विनेगर डाला है इसमें। देखिए, अब इसको हमें एक अच्छे से मतलब 2 मिनट करीब पे हाई फ्लेम पे इसको उबालना है, जिससे इसमें एक उबाल आ जाए, अच्छे से ये बॉईल हो जाए। उसके बाद हम इसमें कॉर्नस्टार्च डालेंगे। ये देखिए, हमारा बॉईल हो गया है। इसके बाद हमने कॉर्नस्टार्च की, ये देखिए, 2 स्पून हमने कॉर्नस्टार्च की स्लरी बना ली है, वो हम अब ऊपर से ऐड करेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे और साथ साथ उसको हिलाते रहेंगे। ये देखिए, अगर ये सूप आपको थोड़ी लेट पीना है, तुरंत नहीं पीना है, तो ये सूप थोड़ा सा आप थिकी बनाइएगा, क्योंकि ये वेजिटेबल्स भी अपना पानी छोड़ती रहती हैं इस, तो वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो अब हमने ये ऐड कर दिया, कॉर्न स्टार्च भी कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे, देखिए, थोड़ी सी शुगर डालेंगे, 1/4 स्पून अराउंड, क्योंकि बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हम विनेगर डाल चुके हैं तीखे बन के लिए, ग्रीन चिलीज डली हुई है,
तो ये थोड़ा सा सूप को बैलेंस कर देगा। अब देखिए इधर ये सूप बॉईल हो रहा है, उधर मैंने देखिए घी का ऑयल गरम कर लिया। हमें अब हम तलने हैं नूडल्स। मंचाओ सूप है तो बिना नूडल्स के तो अच्छा लगेगा नहीं। देखिए मैंने नूडल्स ये बॉईल करके रखे हुए थे, हमें इसमें कुछ नहीं करना। मैंने ये मैदा लिया हुआ है, ये रिफाइंड फ्लो, थोड़ा सा इसमें ये ऐड। ये देखिए मैंने नूडल्स बॉईल कर लिए थे और उसमें ऑयल लगा के इसको छोड़ दिया था कि स्टिकी ना हो थोड़े से। अब इसमें मैंने ये ऐड थोड़ा सा कर देना है, ये देखिए थोड़ा सा अच्छे से इसको कर देंगे और हाई फ्लेम पे थोड़ा सा इसको करेंगे। ये देखिए नूडल्स कि मंचाओ सूप है और नूडल्स ना हो खूब सारे सूप में तो खैर उसका मज़ा ही नहीं है। मंचाओ सूप तो है ही नूडल्स के लिए। देखिए ऑयल मेरा गरम हो चुका है, अब इस साइड इस तरह से छोटे छोटे बना के ये हम इसको अच्छे से कर लेंगे, क्रिस्पी कर लेंगे। ब्राउन बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा लाइट ब्राउन होते ही इनको हम निकाल लेंगे। देखिए कॉर्न स्टार्च डालने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब इस टाइम पे अब इसको हम बस कर देंगे बंद। अब इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, अगर आपको हल्का सा पतला लग रहा है और तुरंत पीना है तो आप इसमें कॉर्न स्टार्च थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज ये बिल्कुल ऐसे परफेक्ट है क्योंकि नूडल्स भी डलेंगे इसमें और अगर आपको थोड़ी देर बाद पीना है तो वैसे ही पड़ा पड़ा थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा। सूप हमारा सूप तैयार हो गया है। अब देखिए नूडल्स भी लगभग बिल्कुल तैयार हो गए, 1 सेकेंड में मैं इनको निकालती हूँ, बिल्कुल होने लगे। देखिए हमारे नूडल्स हो गए, मैं गैस बंद कर रही हूँ। अगर आपको चेक करना हो ना कि आपको नहीं समझ आ रहा कि नूडल्स हो गए तो एक हल्का सा निकाल के उसको तोड़ के देख लीजिएगा या खा के देख लीजिएगा। वैसे ये परफेक्ट हो गए, लाइट ब्राउन से होने लग जाते हैं तो समझिए परफेक्ट हो गए। अब हम इन नूडल्स को निकाल लेते हैं और इसके बाद हम सूप सर्व कर देते हैं। देखिए हमारा मंचाओ सूप रेडी हो गया है। अब हम इसको फ्राइड नूडल्स और थोड़े से हम इसको स्प्रिंग अनियन से गार्निश करेंगे थोड़ा सा, है ना, और आप साथ में ऊपर से ये जो फ्राइड नूडल्स हैं सर्व करते समय थोड़े से डाल के सर्व करिए और बाकी साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी दीजिए क्योंकि इस मंचाओ सूप का तो मज़ा ही नूडल्स से है, तो धीरे धीरे डाल के खाने में बहुत ही मज़ा आता है मंचाओ सूप में। तो आप देखिए इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा मेरे को, और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।